वेलकम मित्रों, इस वीडियो में हम लोग एस्केप होल्डिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। चाहे आप एस्केप होल्डर हैं, एस्केप होल्डिंग फोरमैन हैं या फिर एस्केप होल्डिंग सुपरवाइजर हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अतः आप सबसे रिक्वेस्ट है मित्रों कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो से फायदा पहुंचे तो वीडियो को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। तो चलो मित्रों, लेते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस डू यू टेक बिफोर इरेक्टिंग एस्केप होल्डिंग, अर्थात एस्केप होल्डिंग खड़ा करने से पहले आप क्या सुरक्षा सावधानियां बरतते हैं? मित्रों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को याद कर लीजिएगा। इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं। सर, मैं पूरी तरह से साइट का मूल्यांकन करता हूँ, उचित फाउंडेशन सुनिश्चित करता हूँ, रेलिंग टी बोर्ड का उपयोग करता हूँ और नियमित रूप से उपकरणों का निरीक्षण करता हूँ। बस इतना ही बोलिए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत कम समय होता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द की कंपोनेंट्स ऑफ एस्केपफोल्ड, अर्थात एस्केपफोल्डिंग के मेन पार्ट्स के नाम बताएं। आंसर है, सर, एस्केपफोल्डिंग के मेन पार्ट्स के नाम है स्टैंडर्ड्स, लेजर, ट्रांसम, बेस प्लेट, ब्रेसिंग और प्लैंक शामिल है। मित्रों, इनके फोटो को भी पहचानते चलें, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट फोटो दिखाकर नाम पूछ बैठता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैलकुलेट द लोड कैपेसिटी फॉर एस्केपफोल्ड, अर्थात आप एस्केपफोल्डिंग के लिए भार क्षमता की गणना कैसे करते हैं? इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं, सर, मैं वजन वितरण, उपयोग की गई सामग्री और संभावित भार पर विचार करते हुए इंजीनियरिंग विशिष्टताओं का उल्लेख करता हूँ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सुरक्षित सीमा के भीतर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन हजार्ड्स एसोसिएटेड विथ स्कैफोल्डिंग एंड हाउ डू यू मिटिगेट देम, अर्थात स्कैफोल्डिंग से जुड़े सामान्य खतरे क्या हैं और आप उन्हें कैसे कम करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है मित्रों, सर, स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड कॉमन हजार्ड में मुख्य रूप से आते हैं, जैसे स्कैफोल्डिंग से गिरना, स्कैफोल्डिंग का ढह जाना, स्कैफोल्डिंग से टोल्स आदि का गिरना शामिल है। इन खतरों को कम करने के लिए हमें स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन नियमित रूप करना चाहिए, स्कैफोल्डिंग के सभी पार्ट्स को उचित असेंबली करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग स्कैफोल्डिंग सेफ्टी, अर्थात स्कैफोल्डिंग को सुरक्षित रूप से हटाने की प्रक्रिया समझाइए। इसका आंसर है, सर, मैं सबसे पहले तख्तों को हटाता हूँ, उसके बाद ब्रेसिंग को हटाता हूँ और फिर स्थिरता की निरंतर जांच करते हुए व्यवस्थित रूप से स्ट्रक्चर को खोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू नोटिस ए पोटेंशियल सेफ्टी इशू विद स्कैफोल्ड, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, मतलब यदि आपको स्कैफोल्डिंग में कोई संभावित सुरक्षा समस्या नजर आती है तो आप क्या कदम उठाएंगे? इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिए, मैं तुरंत काम रोक दूंगा, क्षेत्र को अलग कर दूंगा और सुपरवाइजर को सूचित करूंगा। मैं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाधान या अस्थायी उपाय सुझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों,
How do you prioritize task when working on multiple scaffolding project simultaneously? अर्थात एक साथ कई स्कैफोल्डिंग परियोजनाओं पर काम करते समय आप कार्यों को प्राथमिकता कैसे देते हैं? इसका आंसर है, मैं प्रोजेक्ट की समय सीमा, तत्कालिकता और गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता तय करता हूँ। कार्यभार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए टीम के सदस्यों और प्रबंधकों के साथ संवाद बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू हैड टू अडैप्ट योर स्कैफोल्डिंग अप्रोच टू कंप्लाई विद न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस। अर्थात उस समय का वर्णन करें जब आपको नए सुरक्षा नियमों का अनुपालन करने के लिए अपने स्कैफोल्डिंग दृष्टिकोण को अनुकूलित करना पड़ा। इस क्वेश्चन का जवाब है, सर हाल ही में एक परियोजना में अद्यतन विनियमों के अतिरिक्त गिरने से सुरक्षा उपायों की आवश्यकता थी। हमने इन परिवर्तनों को तेजी से लागू किया, टीम को फिर से प्रशिक्षित किया और अपने प्रोटोकॉल को अपडेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट मेजर्स डू यू टेक टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैफोल्डिंग ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। अर्थात प्रतिकूल मौसम की स्थिति में स्कैफोल्डिंग की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आप क्या उपाय करते हैं? इसका जवाब है, सर मौसम के प्रतिकूल होने पर मैं स्कैफोल्डिंग को अतिरिक्त रस्सियों से सुरक्षित करता हूँ, हवारोधी सामग्री का उपयोग करता हूँ तथा मौसम के कारण होने वाली किसी भी कमजोरी का नियमित रूप से इंस्पेक्शन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट विद इन स्कैफोल्डिंग टीम। अर्थात आप स्कैफोल्डिंग टीम के भीतर संघर्ष या असहमति को कैसे संभालते हैं? सर मैं विवादों को शांति से सुलझाता हूँ, सभी दृष्टिकोणों को सुनता हूँ और खुले संवाद को प्रोत्साहित करता हूँ। मैं ऐसा समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जो सुरक्षा और परियोजना के लक्ष्यों के साथ संरक्षित हो। तो इस प्रकार मित्रों, हम लोगों ने स्कैफोल्डिंग इंटरव्यू में मुख्य रूप से पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चन के आंसर की चर्चा किए। अंत में मित्रों, जाते जाते निवेदन है, यदि वीडियो उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।